निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? द करेक्ट आंसर सी द्रव्यमान। खाद ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? द करेक्ट आंसर ए कैलोरी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द करेक्ट आंसर डी द्रव्यमान। समुद्र में पलवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? द करेक्ट आंसर बी 1/10 भाग। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? द करेक्ट आंसर डी घर्षण की कमी। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? द करेक्ट आंसर ए पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? द करेक्ट आंसर बी अपकेंद्री बल। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? द करेक्ट आंसर सी रैखिक संवेग के। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? द करेक्ट आंसर बी पुष्प तनाव। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? द करेक्ट आंसर डी ग्रीस। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? द करेक्ट आंसर ए न्यूटन। एक हॉर्स पावर एचपी कितने वॉट के बराबर होता है? द करेक्ट आंसर डी 746 वॉट। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? द करेक्ट आंसर बी ब्रह्मगुप्त। आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, इसका आंसर कमेंट में जरूर दे। भारत की वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।